दोस्तों क्रेडिट कार्ड से बैलेंस ट्रांसफर करने का जब भी हम सोचते हैं तभी एक ही सवाल आता है कि वो कौन सा एप्लीकेशन है जिसके मदद से हम क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को बैंक पे ट्रांसफर कर सकेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा एक ऐसा एप्लीकेशन जिसकी मदद से आपका क्रेडिट कार्ड में चाहे जितना भी लिमिट है अगर आप 10,000 से लेके 1,00,000 तक का भी ट्रांसफर करना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन की मदद से आप कर पाएंगे। तो पूरा प्रोसेस इस वीडियो के अंदर मैं आपको करके दिखाऊंगा। सो फ्रेंड नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त मुरारी गोस्वामी। और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाला नोटिफिकेशन को भी अलाउ करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड ले चलते हैं आपको मोबाइल स्क्रीन पे जहां पे मैं पूरा प्रोसेस आपको करके दिखाऊंगा। और अगर आप भी एक क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप HDFC या एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक, कोई भी क्रेडिट कार्ड हो या तो फिर कोई क्रेडिट लाइन लिमिट भी आप यूज कर रहे हैं जैसे स्लाइस एप्लीकेशन, धनी एप्लीकेशन या तो फिर लेजी पे, कोई भी आपके पास क्रेडिट लिमिट होना चाहिए, उस लिमिट को आप बिल्कुल यहां पे सेंड कर पाएंगे बैंक में और वो भी पैसा आपका तुरंत का तुरंत आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट होगा और बहुत कम चार्ज यहां पे आपको लगने वाला है। तो चलिए फ्रेंड ले चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे जहां पे मैं पूरा प्रोसेस आपको करके दिखाऊंगा। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन के अंदर सबसे पहले आपको यहाँ पे अकाउंट बनाना होगा। अकाउंट बनाने के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस तरह का आने वाला है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को बैंक पे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन में बैलेंस आपको ऐड करना होगा। तो बैलेंस ऐड करने के लिए यहाँ पे ऐड सेक्शन पे आपको जितना भी बैलेंस ट्रांसफर करना है उतना आपको यहाँ पे ऐड करना होगा। तो हम आपको दिखाने के लिए 1,000 यहाँ पे ट्रांसफर करने वाले हैं। तो हमने जैसे ही यहाँ पे 1,000 लिखा और ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं तो ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद फिर से एक नया प्रोसेसिंग पेज यहां पे ओपन हो जाता है जिसमें पेमेंट के काफी ऑप्शन दिया जाता है। जैसे कि यहां से आप UPI के थ्रू ऐड कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, बहुत सारा ऑप्शन यहां पे आ जाएगा। बट आपको यहां पे जो क्रेडिट कार्ड का जो ऑप्शन आता है सिंपल से इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना क्रेडिट कार्ड का नंबर, उसके बाद एक्सपायरी, CVV और होल्डर नेम यहाँ पे एंटर करना होता है। सो फ्रेंड देख सकते हो मैंने यहाँ पे अपना पूरा डिटेल्स एंटर कर दिया है। अब एंटर करने के बाद यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा जहाँ पे का जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे फिर से एक नया पेज पे ओपन किया जाएगा जहाँ पे पेमेंट प्रोसेसिंग हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे VR प्रोसेसिंग फॉर ट्रांजेक्शन, यहाँ आपको थोड़ा इंतजार करना है। सो फ्रेंड देख सकते हो यहाँ पे जो धानी का हम क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं जिसमें जब भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो हमें एक OTP रिसीव होता है। अब उस OTP को हम यहाँ पे एंटर करते हैं। तो हमारे पास जो OTP आया उसको हम यहाँ पे एंटर करते हैं और यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं सो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुली हो गया है। मेरा जो क्रेडिट कार्ड है वहाँ से बैलेंस कट गया और इस एप्लीकेशन के अंदर बैलेंस आ गया है। अब अगर इसको आपको बैंक पे ट्रांसफर करना है तो यहाँ पे आपको दूसरे नंबर पे एक ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे सेंड मनी टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको ना क्लिक करके यहाँ पे जो तीसरे नंबर पे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है स्कैन एंड QR कोड, ठीक है। तो स्कैन एंड QR के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब आपको क्या करना है, जो भी आप यूज कर रहे हैं जैसे कि फोन पे यूज कर रहे हैं या तो फिर Paytm, जो भी आप यूज कर रहे हैं जिसमें भी आपने UPI लिंक करके रखा है उसका आपको QR कोड को यहाँ पे सबसे पहले आपको स्क्रीनशॉट लेके रखना है। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे अपना QR कोड का स्क्रीनशॉट लेके रखे हैं। तो हम सिंपल से उस QR कोड के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो सारा डिटेल्स आ गया है। अब यहाँ पे हम ट्रांजेक्शन करने वाले हैं तो हम एक बार में 500 ट्रांसफर करेंगे क्योंकि 500 हम रिचार्ज के लिए यूज करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे 500 लिखा और यहाँ पे के ऊपर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही पे के ऊपर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे फिर से एक पे का ऑप्शन आएगा। तो नॉर्मल से पे के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही हम यहाँ पे के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हो फ्लिज बेट का ऑप्शन आया और ₹500 सक्सेसफुली हमारा जो यहाँ पे क्रेडिट हो गया, जो भी मेरा QR कोड के साथ में बैंक अकाउंट लिंक है उसमें ट्रांसफर हो गया। आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पे बैंक पे मेरे ओर से मैसेज भी आ चुका है। तो कुछ इस तरह से आप अपना क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को सीधे बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर पाएंगे। सो फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।